क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कौन है कंपनी के मालिक, भारत में कैसी थी पहचान। किसी ने कहा है कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। कब कौन जमीन से आसमान या फिर आसमान से जमीन पर पहुंच जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और शायद कुछ हद तक ऐसा ही हुआ है कभी भारत पर राज करने वाली ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया के साथ। वैसे ईस्ट इंडिया के बारे में भारतवासियों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यही वो कंपनी है जिसने भारत को गुलामी की बेड़ियों में ऐसा जकड़ा कि सैकड़ों वर्षों तक राज करती रही। लेकिन हमने जैसे पहले कहा कि समय बड़ा बलवान होता है, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या अब आपको पता है कि ये कंपनी क्या करती है और इसका मालिक कौन है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। हमारा इतिहास बताता है कि 17वीं सदी की शुरुआत में यानी सन 1600 ईस्वी के आसपास भारत की जमीन पर पहला कदम रखने वाली इस कंपनी ने सैकड़ों सालों तक हमारे देश पर शासन किया। 1857 तक भारत पर इसी कंपनी का कब्जा था, जिसे कंपनी राज के नाम से इतिहास में पढ़ाया जाता है। एक समय ये कंपनी एग्री से लेकर माइनिंग और रेलवे तक सारे काम करती थी। अब मजेदार है कि भारत को गुलाम बनाने वाली इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता हैं। मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने के बाद इसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया। अभी ये चाय, कॉफी, चॉकलेट आदि की ऑनलाइन बिक्री करती है। ये जानकारी इस कारण प्रासंगिक हो जाती है कि भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। किस काम के लिए हुई थी कंपनी की स्थापना? आपको बता दें कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज को मंजूरी दी थी। इस कंपनी को पूर्वी द्वीप समूह में देशों से व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था, जिसमें उस दौर में स्पेन और पुर्तगाल का एक अधिकार था। 200 सालों तक किया था भारत पर राज। कुछ समय बाद इस कंपनी ने कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम का व्यापार शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार और सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत लेकर व्यापार शुरू किया। 200 साल के अंदर ही इस कंपनी ने पूरे भारत को कब्जे में ले लिया था। फिर साल 1857 में विद्रोह के बाद कंपनी को 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया। भारत में ऐसी थी कंपनी की पहचान। उस दौर में भारत में इस कंपनी की पहचान एक दमनकारी कंपनी के तौर पर होती थी। तब यह कंपनी हिंदुस्तानियों का उत्पीड़न करती थी। साल 2003 में शेयर धारकों के एक समूह जिन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदा था, उन्होंने एक बार फिर चाय और कॉफी बेचने का कारोबार शुरू किया। अब भारतीय व्यक्ति चलाता है कंपनी। इसके बाद इंडियन बिजनेसमैन संजीव मेहता ने 2005 में कंपनी में दखल दिया और कंपनी को लग्जरी टी, कॉफी और खाद्य पदार्थों के कारोबार में एक नया ब्रांड बनाकर कंपनी को नई पहचान दी। कंपनी के मालिक मेहता के मुताबिक जिस कंपनी ने कभी दुनिया पर राज किया, आज उसका मालिक होना एक भारतीय के तौर पर उन्हें गर्व का एहसास कराता है। 2010 में लंदन में खोला पहला स्टोर। संजीव मेहता ने इस कंपनी को नई पहचान देने के बाद अपना पहला स्टोर लंदन के मेफेयर में खोला था। संजीव मेहता कहते हैं कि भले ही ये कंपनी कभी अपने आक्रामकता के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज की ईस्ट इंडिया कंपनी की पहचान एक संवेदनशील कंपनी के रूप में है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।